बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock? घड़ी में जब 4 बजते हैं तो उस वक्त जो एंगल सबसेंड हो रहा होता है वो हमने बताना है। बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच, पहले हम देखते हैं कि वॉच है, ये हमारे पास एक वॉच है, ठीक है, सर्कुलर। यहाँ देखते हैं हम 12 o'clock, 3 o'clock, 6, 9। ये हमारे पास एक सर्कुलर वॉच है, ठीक है। जब घड़ी में 4 बजेंगे तो आवर एंड जो है वो 4 पर होगा और मिनट एंड जो है वो 12 पर होगा, ठीक है। इन दोनों हैंड्स ऑफ ए वॉच के दरमियान हमने जो एंगल देखना है, ये जो एंगल सबसेंड हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock? घड़ी में जब 4 बजते हैं तो उस वक्त हैंड्स ऑफ ए वॉच के दरमियान क्या एंगल जो है वो सबसेंड हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये घड़ी जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर जब भी कोई चीज़ होती है तो उसका टोटल एंगल जो होता है वो कितना सबसेंड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल एंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल। एक सर्कल में टोटल एंगल जो है वो होता है 2π रेडियन या 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी सर्कुलर टाइप चीज हो तो उसमें टोटल एंगल जो सबसेंड हो रहा होता है वो होता है 2π रेडियन, ठीक है। अब हमने इसको वॉच, सर्कुलर वॉच जो है इसको 12 बराबर के हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव एंड्स होंगे, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं इनके दरमियान में एंगल जो है वो कितने का सबसेंड हो रहा होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। द एंगल सबसेंडेड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ वॉच, या इसको सर्कुलर वॉच कर लें। वॉच की शेप्स तो कई मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर वॉच है। ठीक है, द एंगल सबसेंडेड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ सर्कुलर वॉच, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान अब टोटल एंगल है हमारे पास 2π रेडियन, ठीक है, और टोटल जो है वो है नंबर्स इसमें 12। तो हम इसे दो कंसेक्यूटिव के दरमियान मालूम करना है हमने, तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे उनके दरमियान एंगल आएगा 2π/12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यानी π/6 रेडियन। ये हमारे पास एंगल आ गया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ अ सर्कुलर वॉच। अब जब 4 बज रहे तो यहाँ से यहाँ तक कितना है π/6, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा π/6, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा π/6, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा π/6, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एंगल या एंगल सबसेंडेड एट 4 o'clock, ठीक है। घड़ी में जब 4 बजेंगे उस वक्त एंगल जो है सबसेंड कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × π/6, ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 3, ये रेडियंस में आ गया 2π/3, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। डिग्री में कितना होगा, π/3 किसे कहते हैं, 60 को, और 60 π/3 जो है वो हमारा 60 × 2 = 120 डिग्री, ठीक है। घड़ी में जब 4 बजते हैं तो ये एंगल कितने का सबसेंड होगा, 120 डिग्री या 2π/3 रेडियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन एल इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि ये थीटा क्या चीज़ है, यहाँ पर एल क्या चीज़ है और आर जो है वो क्या चीज़ है,
ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, ये हकीकत में एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, जिसको मैं नाम दिया हुआ होगा। सेंटर से लेकर आप सर्कल के किसी पॉइंट तक भी चले जाएँ, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है। चाहे यहाँ चले जाएँ, चाहे यहाँ तक चले जाएँ, सेंटर से सर्कल के आप किसी भी पॉइंट को मिला दें तो ये क्या होता है, रेडियस, ठीक है। अगर दो रेडियस आपस मिलाए इस तरीके से, तो यहाँ पर ये आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दें ए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी, तो ये किसे कहते हैं, आर्क लेंथ, ठीक है। ये जो चीज़ है इसे क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। इसको डिनोट करते हैं किससे, एल से। और ये दो रेडियस के दरमियान जो एंगल सब्सटेंड हो रहा होता है, दैट इज थीटा, ठीक है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि थीटा जो है वो वन रेडियन कब होता है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लिया कि ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से अगर सर्कल के आप किसी पॉइंट पर भी चले जाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और दो रेडियाई हैं, इनके दरमियान जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है, दैट इज थीटा। और ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, ठीक है। जब इस तरह की हमारे पास चीज़ होती है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू जो वन रेडियन होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और थीटा जो है तो मैयर होगा किसमें, रेडियंस में, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर थीटा व्हेन थीटा इज मैयर्ड इन रेडियंस। अब हम यहां पर देखते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहां पर हमें थीटा मालूम करना है, जबकि हमें गिवन में क्या है, आर्क लेंथ गिवन है और रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है। लेंथ हमारे पास गिवन है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारे पास गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.5 को हम 2.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.6 रेडियंस, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट इसका मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट देखें, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि आर्क लेंथ यानी एल हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू क्या है, आर थीटा। यहां से आपको दो की वैल्यूज दी होंगी और तीसरे की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी, ठीक है। यहां थीटा की वैल्यू अननोन है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, आर मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। लेंथ है 3.2 और रेडियस है 2, 3.2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है 1.6 और एंगल है ये, ठीक है, तो किसमें होगा, रेडियंस में, थीटा इज इक्वल टू 1.6 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ एल व्हेन थीटा इज पाई रेडियंस एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा कब होता है, व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, उस वक्त ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब थीटा हमें यहां पर रेडियंस में ही दिया हुआ है, इसका मतलब ठीक है, एल इज इक्वल टू आर 6 इंटू थीटा की वैल्यू पुट कर दें पाई, ठीक है, 6 इंटू पाई। जब लेंथ की बात होती है तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है, 6 इंटू 22/7, 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 132 डिवाइडेड बाय 7, 132 को 7 से डिवाइड करते हैं 18.86, ठीक है। रेडियस का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो लेंथ का यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर, यूनिट का खास ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट्स एंड रेडियस इज 18 मिलीमीटर, ठीक है। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जिस वक्त हमारे पास थीटा जो है वो रेडियंस में होगा। यहाँ पर थीटा जो है डिग्री में मिनट्स में दिया हुआ है, पहले हम इसे क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम से रेडियंस में, 65 डिग्री प्लस मिनट से डिग्री में कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 21 से 23 था, 65 डिग्री यानी ये होगा 65 प्लस 1/3 डिग्री, 3 इसमें एलसीएम लेते हैं
इसके नीचे क्या है, वन वन को हम किसे डिवाइड करते हैं, थ्री, थ्री को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 195 प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया, 1, 1 1 1, ये आ गई डिग्री में, ठीक है, 196 डिवाइडेड बाय 3। अब ये डिग्री में आया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए रेडियंस में होना ज़रूरी है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जब हमने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया इसमें रेडियंस में, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 4 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 4 4 16, 4 9 36, 4 4 16, 4 5 25। अब यहाँ देखते हैं 49, ठीक है, और 3 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 इनटू, ये पाई है, पाई की जगह पुट कर देंगे 22/7, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 7 49, 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय करते हैं 135, ये हमारे पास आ जाएगा 1.14 रेडियंस, ठीक है, ये हमारे पास थीटा आ गया रेडियंस में। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि थीटा जो है शुड मेजर्ड इन रेडियंस, रेडियंस हमारे पास गिवन था 18 और थीटा हमारे पास है 1.14, 18 को 1.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20.52, ठीक है, और रेडियस किसमें था, मिलीमीटर में, तो लेंथ जो है वो भी किसमें आएगी, मिलीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियंस। अब थीटा रेडियंस में गिवन है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, थीटा मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 1/2, ठीक है, ये 1/2, 2 जो है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 2, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, रेडियस इज इक्वल टू 5 × 2 दैट इज 10, लेंथ सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का वन पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जबकि हमारे पास आर लेंथ एल जो है वो गिवन है 56 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, डिग्री से रेडियंस में कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डिग्री साथ नहीं लिखते, फिर रिजल्टिंग टर्म जो है आपके पास रेडियंस में आ जाती है, ठीक है, 45 1 और 45 4, थीटा इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 4 रेडियंस, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने वेरीफाइड करनी है आर की, ठीक है, थीटा जो है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा एल ओवर थीटा, आर लेंथ एल 56 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाय 4, ठीक है, ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको उठाकर हम ऊपर ले जाते हैं, 56 × 4 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 56 × 4 डिवाइड बाय पाई की जगह हम पुट कर देते हैं 22/7, ठीक है, 56 × 4 इंटू ये 7 फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन 7 है, ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी कैंसिलेशन जो हो सकती है पॉसिबल वो कर लेते हैं, 2 2 4, 2 11 22, 52 को 56 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 112 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 784,
डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, 784 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 71.27 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हमारे मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।